Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Asi Talks. I hope you all are doing absolutely fine. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिस्को की तरफ से आई ऑफ कैंपस लाइव अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सिस्को 3 मेजर रोल के लिए हायर कर रहा है, तो तीनों ही रोल के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सभी चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें ताकि आपको सभी डिटेल्स पता चल जाए। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको वेरियस ऑफ कैंपस ड्राइव, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड वेरियस वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज देखने मिल जाती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिस्को की ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में हम सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह से 3 जॉब रोल आ जाती है सिस्को की तरफ से। न्यू ग्रेजुएट ये जो जॉब रोल होने वाली है टोटली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। तो आगे की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सभी चीजें। लोकेशन की बात कर ली जाए तो बैंगलोर इंडिया, यहाँ पे आपको लोकेशन देखने मिल जाती है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर देखने मिल जाता है। और जॉब टाइप न्यू ग्रेजुएट, मतलब टोटली फ्रेशर्स के लिए जॉब रोल होने वाली है, जो अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए। सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल देखने मिल जाती है। हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। रिसेंट ग्रेजुएट और ऑन योर फाइनल ईयर ऑफ स्टडीज टूवर्ड बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड सच एज मैथ्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन किया गया है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, मतलब अगर आप 2020 बैच से हो, 2021 बैच से हो, या तो 2022 बैच से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और भी चीज आपको देखने मिल जाता है, आपकी जो फील्ड देखने मिल जाती है, ये जो होने वाली है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने बैचलर्स डिग्री की है या तो मास्टर्स डिग्री की है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है मिनिमम और एन ऑफ 8.5 जीपीए और हायर, तो आपका 8.5 जीपीए या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। द रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर 2021 एंड 2022 पास आउट बैच। तो यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया कि 2021 एंड 2022 पास आउट बैच के लिए हायरिंग हो रही है। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, तो आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विद एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। पजेस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एक्सीलेंट ट्रबल शूटिंग डीबगिंग स्किल्स, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द एक्सटेंडेड टीम, टीम वर्क आपको आना चाहिए, टीम लीडरशिप आपको आना चाहिए। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, तो आपकी इंग्लिश रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज देखने मिल जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्बेडेड एंड सिस्टम डेवलपमेंट। इस तरह से आपको 3 पोल देखने मिल जाती है, 3 जॉब रोल देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बात कर ली जाए तो फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लाइक फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, वीपीएन, इंस्पेक्शन, ये सभी चीज आपको आनी चाहिए, तो आप नेटवर्क प्रोटोकॉल में अप्लाई कर सकते हो। बेसिक ऑफ राउटर, स्विचेस, नेटवर्क डिबगिंग टूल्स, टेक्निक्स, हैंड्स ऑन विल बी अ बिग प्लस, तो ये चीज देखने मिल जाता है। अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट आ जाता है। और भी चीजें देखने मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग इंक्लिनेशन टू इंश्योर प्रोग्राम्स आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल टेस्टेड, एक्सपीरियंस इन एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, अगर आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट विल बी अ बिग प्लस, तो अगर आप ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आपका एक्सपोजर है तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बिग प्लस पॉइंट हो जाता है। एबिलिटी टू थिंक टुवर्ड स्केलिंग एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड, ये भी चीज देखने मिल जाती है। फंडामेंटल ऑफ टीसीपी आईसी आईपी नेटवर्क प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रूटिंग एंड स्विचिंग, अगर आपको ये आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद पाइथन, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें भी नॉलेज होना चाहिए। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी आपको फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपोजर टू डिवाइस ड्राइवर लाइक बीपीएस विल बी प्लस, तो यहाँ पे ये जॉब रोल की सभी डिटेल्स थी दोस्तों, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी चीज मैंने डिस्कस कर दी। अब यहाँ पे आप टॉप में आते हो तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई बटन देखने मिल जाता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक साइन इन पेज हो जाता है। अगर आपने सिस्को के जॉब में इससे पहले भी अप्लाई किया है तो आप सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, यानी जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको सिलेक्शन का जॉब
सिलेक्शन के लिए प्रोसेस मिल जाएंगी कि आप कौन से जॉब रोल के लिए आपको सिलेक्शन करना है दोस्तों, इस तरह से आप इस जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।